मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनकर जिला देवास में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। देवास की सोनकच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि पहले बेटियों को विवाह के समय 49,000 मिलते थे, अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ये शुभ राशि 51,000 रुपए दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास की सोनकच में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में हितग्राहियों को आवासीय भूमि के पट्टे एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को हित लाभ का वितरण किया। देवास के सोनकच में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कन्या पूजन के दौरान नन्ही बेटियों द्वारा पत्र भेंट कर लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में सीएम श्री चौहान ने कहा कि देवास जिले से 2,80,000 बहनों का मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन हुआ है। बहनों के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपए डाले जाएंगे। अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पीपल, बरगद, आम और जामुन के पौधे रोपे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से ओएसएस ज्योतिधर मूवमेंट बड़ोदरा गुजरात की ट्रस्टी सुश्री शीबा नायर ने आज राजभवन में सौजन्य भेंट की। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में क्षत्रिय समाज की बैठक में सहभागिता की एवं 22 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों पर विचार साझा किए। मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने 22 मई को भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाले महाराणा प्रताप जयंती समारोह की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने सीएम जनसेवा अभियान के दौरान जाबत में चल रहे लाडली लक्ष्मी बेटियों के हीमोग्लोबिन जांच शिविर में सहभागिता की एवं बेटियों को रिपोर्ट कार्ड वितरित किए।